आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कुसुम हमसे पूछ रहा है, इन YTSC स्लिट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 mm एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्मड एट अ डिस्टेंस 1.2 मीटर अवे एंड द थर्ड डार्क फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है YTSC सेटअप द्वारा हम लोग इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, YTSC एक्सपेरिमेंट। ओके, और यहाँ पे ये देखिए YTSC का सेटअप जो होता है ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे दो स्लिट S1 और S2 होते हैं। ओके, और ये एक स्क्रीन होता है और स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं और दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल D से डिनोट करते हैं, ठीक है। लैम्डा जो है उस लाइट की वेवलेंथ जो है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि वेवलेंथ जो है वो अभी लैम्डा है। ओके, और ये जो है ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, हमें बोल रहा है, और सेंट्रल फ्रिंज जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, हमें बोल रहा है कि थर्ड डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस जो है वो 1.2 सेंटीमीटर, ऐसा हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं गाइज कि एनथ मैक्सिमा, एनथ मिनिमा की, या फिर कह सकते हैं कि एनथ डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस जो होती है इस सेंटर से कितनी होती है, सेंट्रल फ्रिंज से, ठीक है। इन जनरल अगर एन के टर्म्स में जान लेंगे तो हम लोग किसी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एनथ मिनिमा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एनथ मिनिमा, या फिर कह सकते हैं मिनिमा या फिर डार्क फ्रिंज, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एनथ मिनिमा या फिर डार्क फ्रिंज। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको मैं yn अगर कह दूं, ठीक है, क्योंकि y जो है, y क्यों, क्योंकि हम लोग इस एक्सिस पे मेजर करते हैं y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो yn की वैल्यू जो होगी वो होती है n माइनस हाफ डी लेमडा बाई डी, ठीक है, ये वैल्यू होती है nth मिनिमा की, या फिर कह सकते हैं nth डार्क फ्रिंज की। ओके, तो हमें यहाँ पे देखिए कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी है यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो जितनी दूरी पे डिस्टेंस पैटर्न बन रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है वो 1.2 मीटर है, यानी ये डिस्टेंस d की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। देखिए d इक्वल टू हमें 1.2 मीटर दे रखा है, यहाँ पे yn जो हमने लिखा हुआ है उसमें y3 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, क्योंकि थर्ड डायरेक्ट फ्रिंज यहाँ पे दिया हुआ है। तो y3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर, लैम्डा की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है, और हमें डी, स्मॉल डी की वैल्यू भी दे रखी है 0.5 mm। ओके, ये इतनी वैल्यू हमें दे रखी है। तो वैल्यू अगर पुट करते हैं सारी अगर हम लोग इस फॉर्मूले में, तो देखिए yn यानी y3 यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, y3 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस हाफ यानी ये कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है, 3 माइनस हाफ यानी 5/2 डी लेमडा बाई डी। ओके, तो यहाँ से देखिए y3 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, y3 की यहाँ पे वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर दिया गया है, इन 1.2 × 10⁻²⁰ मीटर, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही यूनिट में पुट करते हैं। ओके, तो 5/2 × डी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू 1.2 मीटर दे रखी है। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.2 × लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और स्मॉल डी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 mm, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻³, क्योंकि mm में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं गाइस, ये 1.2 ने 1.2 को मार दिया। ओके, और ये 0.5 ने इसको 10 टाइम्स में मार दिया। ओके, तो यहाँ से देखिए अगेन ये 2 5 × 10 हो गया। ओके, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि लैम्डा की जो हमें वैल्यू मिली है, लैम्डा की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 1/5 × 10⁻⁵ की, ठीक है, क्योंकि 10⁻³ × 10⁻², 10⁻⁵, या फिर सिंपली इसको लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻⁵। ओके, 0.2 × 10⁻⁵ लिख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू मीटर में आएगा क्योंकि सब कुछ एसआई यूनिट में पुट किए हैं, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो 2 × 10⁻⁶
मीटर, ठीक है गाइज। तो 2 × 10⁻⁶ मीटर ये जो होगा उस लाइट की वेवलेंथ होगी जिससे हमने यहाँ पे इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है गाइज। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।